हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीना। आज मैं आपके लिए 5 इंडेफिनेट की वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने प्रेजेंट की वीडियो करा दी है। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट की या कंटिन्यूस की, परफेक्ट की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को देखें, ताकि आपको उसका भी प्रॉफिट हो और इस वीडियो का भी प्रॉफिट हो और आपको समझ में आ सके प्रॉपरली। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन हिंदी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे यूज़ होता है? क्रिया प्लस आ, ई, ए, था, थी, थे, जिसमें आया था, वे गया था, इस तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया की बनावट धातु प्लस आ, ई, आ, यथा, थी, थे, हो, इन क्रियाओं का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। किसमें वो फ्रेंड? जिसमें था, थी या आ, ए, ई, हो, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रिया के वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म क्या होती? मैंने ये कुछ फॉर्में लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? एट। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी यूज होगी फ्रेंड्स? एट। और थर्ड फॉर्म है ईटन। स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप, प्ले, प्लेड, प्लेड, गो, वेंट, गॉन या कम, केम, कम, हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सीखें, जैसे आई एट, अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट है तो इस वजह से सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है ईट की। आई डिड नॉट ईट अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ओनली सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी, और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या डब्ल्यू एच फैमिली में फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डिड आई ईट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, जैसे आई एट, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब मैंने कुछ अलग तरीके से भी यूज़ किया, पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बनाएंगे सेंटेंस तो मैंने खाया था, आई एट, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई एट, मैंने खाया था, हम लोगों ने खाया था। प्लूरल में बनाएंगे तो वी एट, ये भी सिंपल ही सेंटेंस है, इस वजह से वी एट, हम लोगों ने खाया था, वी एट। सेकंड पर्सन सिंगुलर में आपने खाया था, आपने खाया था, यू एट, आपने खाया था, यू एट, आप लोगों ने खाया था, यू एट। प्लूरल में आप लोगों ने खाया था, यू एट। थर्ड पर्सन उस या राम ने खाया था, ही शी इट राम एट, ही शी इट राम एट, उन लोगों ने या लड़कों ने खाया था, दे द बॉयज एट, ये प्लूरल है, उन लोगों ने या लड़कों ने खाया था, दे द बॉयज एट। अब मैंने कुछ अलग से भी सेंटेंस लिए, देख लेते हैं उन्हें भी। मैं गया था, अभी सेकेंड फॉर्म है जाने की, वेंट, मैं गया था, आई वेंट। सेकेंड इज उसने मेरी मदद की थी, उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी, हेल्प की सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी। आपने गाली दी थी, यू अब्यूज्ड, गाली देना अब्यूज्ड, आपने गाली दी थी, यू अब्यूज्ड। फोर्थ इज राम ने आम खाया, राम एट मैंगो, राम ने आम खाया, राम एट मैंगो। छात्रों ने जवाब दिया, द स्टूडेंट्स आंसर्ड, सेकेंड फॉर्म वर्ब के आंसर्ड, उस छात्रों ने जवाब दिया था, द स्टूडेंट्स आंसर्ड। सिक्स्थ इज मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, पिया, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर। हम लोगों ने देश की सेवा की, वी सर्व द कंट्री, सेवा करना, सर्व, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी सर्व द कंट्री, हम लोगों ने देश की सेवा की, वी सर्व द कंट्री। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, माई मदर लव्ड मी,
प्यार करना व लव लव्ड लव्ड। मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, माय मदर लव्ड मी। अब हम निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव सेंटेंस में पास्ट की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। सब्जेक्ट फिर डिड फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो। सेकेंड, उसने मेरी मदद नहीं की थी। सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट फिर मदद करना हेल्प मी। उसने मेरी मदद नहीं की थी, ही डिड नॉट हेल्प मी, ही डिड नॉट हेल्प मी। थर्ड इज, आपने गाली नहीं दी थी, यू डिड नॉट अब्यूज। आपने गाली नहीं दी थी, यू डिड नॉट अब्यूज। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट मैंगो। राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट मैंगो। छात्रों ने जवाब नहीं दिया, द स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर। छात्रों ने जवाब नहीं दिया, द स्टूडेंट्स डिड नॉट आंसर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। सेवंथ इज, हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, वी डिड नॉट सर्व द कंट्री। हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, वी डिड नॉट सर्व द कंट्री। मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, माई मदर डिड नॉट लव मी। मेरी मदर ने मुझे प्यार नहीं किया, माई मदर डिड नॉट लव मी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले डिड यूज होगा, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होगी सिंपल सेंटेंस। और वाकई में फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब मैंने सेंटेंस लिए हैं, कुछ देख लेते हैं। क्या मैं गया था, तो सबसे पहले क्या यूज़ हुआ, हेल्पिंग वर्ब डिड, मैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की क्रिया, जो क्रिया हो रही है जाने की, गया था। क्या मैं गया था, डिड आई गो। सेकेंड इज, क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर जो क्रिया हो रही है मदद करने की हेल्प, फिर मी मतलब ऑब्जेक्ट। क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी, डिड ही हेल्प मी। थर्ड इज, क्या आपने गाली दी थी, डिड यू अब्यूज। क्या आपने गाली दी थी, डिड यू अब्यूज, डिड यू अब्यूज। क्या राम ने आम खाया, डिड राम ईट मैंगो। क्या राम ने आम खाया, डिड राम ईट मैंगो, डिड राम ईट मैंगो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव वे में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड, प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या छात्रों ने जवाब नहीं दिया, डिड द स्टूडेंट नॉट आंसर। सबसे पहले क्या यूज हुई, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर आंसर मतलब जवाब देना। क्या छात्रों ने जवाब नहीं दिया, डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर, डिड द स्टूडेंट्स नॉट आंसर। सिक्स इज, क्या मैंने पानी नहीं पिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डी, मैंने, आई, आई हमारे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैंने पानी नहीं पिया, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। सेवंथ इज, क्या हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, डिड वी नॉट सर्व द कंट्री। क्या हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की, डिड वी नॉट सर्व द कंट्री। क्या मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, डिड माई मदर नॉट लव मी। क्या मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं किया, डिड माई मदर नॉट लव मी। और डब्ल्यू एच फैमिली में यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वैन, कब, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, एक्सेप्टर का प्रयोग। वैन, वाई, हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ होगी। सर डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, वैन, वाई, हाउ, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग में क्या है, डी, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेंटेंस देख लेते हैं।
मैं कब गया था, मैं हमारे क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले यूज हो रहा है हमारा कब, कब मन वैन, वैन क्या है डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डिड, और सब्जेक्ट क्या है हमारा आई आई, और क्रिया क्या हो रही है हमारी जाने की, मैं कब गया था व्हेन डिड आई गो, व्हेन डिड आई गो। सेकंड इज उसने क्यों मेरी मदद की थी, तो क्यों के लिए क्या यूज़ हो रहा है हमारा फ्रेंड्स व्हाई, व्हाई क्या है हमारी डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी ही मतलब उसने, मदद मतलब हेल्प, हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट व्हाई डिड ही हेल्प मी, उसने क्यों मेरी मदद की थी, Why did help me? Why did he help me? Third is आपने कब गाली दी थी, When did you abuse? आपने कब गाली दी थी, When did you abuse? When did you abuse? Fourth is राम ने कहाँ आम खाया, Where did Ram eat mango? राम ने कहाँ आम खाया, Where did Ram eat mango? हम डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे व्हेन व्हाई हाउ एक्सेट्रा का प्रयोग। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली क्या हमारी व्हेन व्हाई और हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी डिड प्लस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेंटेंस देख लेते हैं, छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, Why did I not drink water? सबसे पहले क्या यूज़ है डब्ल्यू एच फैमिली क्या है मैंने why, why? हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैक क्या है फ्रेंड्स हमारा आंसर, छात्रों ने क्यों जवाब नहीं दिया, Why did students not answer? Why did students not answer? मैंने कैसे पानी नहीं पिया, कैसे के लिए हाउ, हाउ क्या है माई डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है माई फ्रेंड्स आई, मैंने कैसे पानी नहीं पिया, हाउ डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर, मैंने कैसे पानी नहीं पिया, हाउ डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। सेवन्थ इज हम लोगों ने कब देश की सेवा नहीं की, व्हेन डिड वी नॉट सर्व द कंट्री, हम लोगों ने कब देश की सेवा नहीं की, When did we not serve the country? Eighth is मेरी माँ ने क्यों मुझे प्यार नहीं किया, Why did my mother not love me? मेरी माँ ने क्यों मुझे प्यार नहीं किया, Why did my mother not love me? इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। If you like the video, so don't forget like, share and subscribe my channel and hit the bell icon और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। Thanks for watching my video.